मौसम आ चुका है। जितना कि हमें सर्दियों के मौसम में मॉइस्चराइजर अप्लाई करना जरूरी होता है, उतना ही हमारे लिए गर्मियों में भी मॉइस्चराइजर अप्लाई करना जरूरी होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मॉइस्चराइजर को ना बिल्कुल स्किप कर देते हैं कि गर्मियां है, हमारा स्किन ऑयली है, हम मॉइस्चराइजर लगाएंगे तो हमारे स्किन पे पिंपल हो जाएगा। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। आपका स्किन ड्राई हो, ऑयली हो, कॉम्बिनेशन हो, किसी भी तरीके का स्किन हो, लेकिन मॉइस्चराइजर लगाना जरूरी होता है, बहुत नेसेसरी है हमें हमारे फेस पे मॉइस्चराइजर अप्लाई करना। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि हाँ, गर्मियों के दिन में हम कौन सा मॉइस्चराइजर अप्लाई करें जिससे हमारा फेस ऑयली ऑयली ना हो, स्टिकी ना हो, एक्ने की प्रॉब्लम ना हो हमारे फेस पे। तो आज मैं मेरा आपके साथ कुछ मॉइस्चराइजर को लेके एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी। मॉइस्चराइजर शेयर करने जा रही हूँ जो कि पॉकेट फ्रेंडली भी हैं और जिन्हें अप्लाई करने से हमारे फेस ऑयली, स्टिकी और एक्ने की प्रॉब्लम भी नहीं होगी और वो हमारे फेस को काफी अच्छे से हाइड्रेट करेंगे। और बिना देर के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है जॉनसन एंड जॉनसन बेबी का मिल्क प्लस राइस क्रीम। ये एक तरीके का बेबी क्रीम है बट मैं इसे अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ। ये मॉइस्चराइज़र मुझे बहुत पसंद है, ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट मॉइस्चराइज़र है। इसकी क्वांटिटी है 100 ग्राम और इसका प्राइस है 160 रुपीज़। इस ये ना थोड़ा वाइट जेल टाइप का इसका मतलब क्रीम है ये, और काफ़ी अच्छे से हमारे स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाता है और एक काफ़ी ग्लोइंग स्किन हमें देता है। अगर आप चाहें तो इस मॉइस्चराइज़र को ट्राई कर सकते हैं। ये किसी भी सीज़न में आप कर सकते हैं, कोई भी स्किन टाइप वाला इस मॉइस्चराइज़र को अप्लाई कर सकता है। ये बहुत ही माइल्ड मॉइस्चराइज़र है, आप इसे ट्राई करके देखना, ये अच्छा मॉइस्चराइज़र है। ये मॉइस्चराइज़र ना मैंने अपनी बेबी के लिए ले आया था, उसके बाद फिर मैंने इसको एक बार ट्राई किया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, उसके बाद से ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट मॉइस्चराइज़र हो गया है। सबसे पहले आता है लैक्मे का पीच मिल्क सॉफ्ट क्रीम फेस मॉइस्चराइज़र है ये। इसकी क्वांटिटी है 25 ग्राम और प्राइस है 45 रुपीज़। इसकी क्वांटिटी आप अपने बजट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा क्वांटिटी वाला क्रीम लेंगे उतना ज़्यादा आपका पैसा लगेगा। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा साइज़ वाला क्रीम लेना चाहते हैं। और ये क्रीम थोड़ी लाइट पिंक कलर की है, लाइट जेल पिंक टाइप की ये क्रीम है, बहुत लाइट मॉइस्चराइज़र है, किसी भी स्किन टाइप का पर्सन इसे अप्लाई कर सकता है, क्योंकि ये बहुत लाइट है और आपको बिल्कुल हैवी सा फील नहीं कराती है आपके फेस पे, और आपके फेस को काफ़ी अच्छे से मॉइस्चराइज करती है। आप किसी भी सीज़न में इसे अप्लाई कर सकते हैं, ऑयली स्किन वाले, पिंपल वाले स्किन वाले, सेंसिटिव स्किन वाले, किसी भी तरीके के स्किन वाले इसको अप्लाई कर ले, और किसी भी मौसम में कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, बॉय या गर्ल कोई भी इस क्रीम को अप्लाई कर सकता है। और ये मेकअप से पहले काफ़ी अच्छा बेस देती है, आप मेकअप से पहले अगर इसको अपने फेस पे मॉइस्चराइज करते हैं ना इस क्रीम से, तो आपका बेस काफ़ी अच्छा होता है। लास्ट एंड थर्ड है पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र फॉर नॉन स्टिकी ग्लोइंग स्किन हाइड्रालिक एसिड प्लस विटामिन ई। ये जो मॉइस्चराइज़र है ये ऑयली स्किन वालों के लिए तो बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है, एकदम बहुत अच्छे वाला मॉइस्चराइज़र है ये, जिसको कि ऑयली स्किन वाले तो लगा सकते हैं और भी सारे स्किन टाइप वाले भी लगा सकते हैं, बट ऑयली वाले स्किन वालों के साथ ना प्रॉब्लम होती है कि उनको एक्ने हो जाता है, और गर्मियों में ना लगाने के बाद, मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद काफ़ी स्वेटिंग आती है। तो ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है ऑयली स्किन वालों के लिए, वो इन्हें बिल्कुल ज़रूर यूज़ करना चाहिए। साथ में हाइड्रेनिक एसिड है जो हमारे स्किन को काफ़ी अच्छे से हाइड्रेट रखता है, विटामिन ई हमारे स्किन को ग्लोइंग बनाता है, ये बिल्कुल नॉन स्टिकी नहीं है। इसकी प्राइस है 309 रुपीज़ और इसकी क्वांटिटी है 147 ग्राम, जिसको कि आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ये मैंने ऑनलाइन लिया था जो कि मुझे 250 रुपीज़ का कॉस्ट पड़ गया था, और इसको आप अगर ऑनलाइन लेंगे तो आपको भी अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। इसकी स्मेल काफ़ी माइल्ड है और ये बिल्कुल लाइट जेल, वाइट जेल टाइप का मॉइस्चराइज़र है, और हमारे स्किन पे अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है और हमारे स्किन को काफ़ी ग्लोइंग कर देता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, लव यू ऑल।